स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिजनेस लॉ, अ न्यू सब्जेक्ट जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा हुआ। बिजनेस लॉ इससे पहले आप लोगों ने 11th 12th में बिजनेस स्टडीज पढ़ी है, समथिंग रिलेटिंग टू बिजनेस। उसमें क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा उससे यहाँ पे अभी कुछ लेना देना नहीं है। अगर आपने 11th 12th में बिजनेस नहीं भी पढ़ी हुई तब भी आपको बिजनेस लॉ समझने में दिक्कत नहीं आएगी। ओके, इफ वी विल स्टार्ट विद दिस नया न्यू सब्जेक्ट दैट इज कॉल्ड बिजनेस लॉ, आइए हम इसे समझते हैं। बिजनेस लॉ क्या है, लॉ का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूँ लॉ का मतलब, आज से पहले आप लोगों ने कभी भी अगर लॉ के बारे में या लॉ शब्द सुना है तो लॉ का मतलब क्या है आपके लिए? लॉ मींस रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर मैं और रिफाइंड वर्ड्स में या रॉ वर्ड में बोलूं तो मैं इसका रॉ मीनिंग समझती हूँ कानून, ठीक है। अगर मैं बोलूं इट मींस रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हम सबको पता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि बिजनेस में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होना चाहिए वो हम इस सब्जेक्ट के थ्रू समझते हैं। फाइन, अच्छा अब हम आते हैं बिजनेस लॉ। हमने ये तो पढ़ लिया लेकिन हमारे लिए बिजनेस क्या है हम पहले इसको समझेंगे। बिजनेस हमें जो भी बच्चा ये इस टाइम वीडियो देख रहा है दे नोज, अगर उसने कभी बिजनेस स्टडीज पढ़ी है या नहीं पढ़ी, बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आप कुछ खरीद या बेच रहे हो, चाहे गुड्स चाहे सर्विसेज। मैं इसको ये बोल सकती हूँ ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। और मैं इसको अभी हमने बिजनेस का मतलब नहीं समझा है, ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जहां पे इसके साथ आपका प्रॉफिट मोटिव हो। अगर मेरे पास कोई 10 रुपए की चीज है, मैंने उसे आगे 10 रुपए में, मैंने 10 की खरीद के 10 में बेच दी, वो मेरे लिए बिजनेस नहीं है। जहां मैं कुछ प्रॉफिट कमाने की इच्छा से किसी चीज की खरीद बेच कर रही हूं वो मेरे लिए बिजनेस है। जरूरी नहीं आपको खुद बनाना है, आप किसी और से खरीद के आगे बेच सकते हो, दैट इज ऑल्सो अ बिजनेस। यानी कि अगर मैं इसको समराइज करूं तो इसका मतलब क्या है, ट्रेड प्लस प्रॉफिट। ट्रेड किस चीज का? गुड्स और सर्विसेज इज इक्वल टू बिजनेस। जी मैं बिजनेस कर रहा हूं। लॉ कहता है बिजनेस करना है और इंडिया में करना है तो आपको कुछ कानून या कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। अब रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने का मतलब यहाँ पे क्या है, हमें पता है हमारे देश में एक डेकोरम और एक क्या कहते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बिना कोई भी चीज नहीं करी जा सकती। सेम थिंग इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ बिजनेस ऑल्सो। आप बिजनेस कर रहे हो तो लॉ ने आपके लिए कुछ कानून कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाई है जो आपको फॉलो करने ही करने हैं, ठीक है। तो अभी हमने ये तो समझ लिया बिजनेस का मतलब क्या है, और इस बिजनेस के साथ अगर मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस जोड़ दूं तो वो मेरा बिजनेस लॉ है। अब इसके आगे हम पहले ये समझेंगे कि बिजनेस किया कैसे जाता है। बिजनेस के बारे में हम थोड़ी ब्रीफिंग और करेंगे, उसके बाद हम किसी एक टॉपिक के साथ बिजनेस लॉ को शुरू करेंगे। अब जी मैंने बिजनेस करना है, एक मिस्टर एक्स है, उन्हें चेयर्स उनके लिए क्या हो गया, एक गुड, इसका व्यापार करना है, इसका बिजनेस करना है, ठीक है। अब
बिजनेस करना है ये तो आपने सोच लिया, आपने डिसाइड कर लिया, पर दूसरी चीज जो हमारे दिमाग में आती है, जी हमारे बिजनेस को मार्केट में जाना कैसे जाएगा, ठीक है, इसको बोलते हैं हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि मैं इसको और किसी और वर्ड्स में बोलना चाहूं तो मार्केट में हमारे बिजनेस को कैसे जाना और पहचाना जाएगा। अब उसके लिए भी देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। मिस्टर एक्स ने ये तो डिसाइड कर लिया मुझे कुर्सियों की खरीद बेच करनी है, प्रॉफिट भी कमाना है साथ में, यानी कि मुझे चेयर्स का बिजनेस करना है, लेकिन उन्होंने ये चीज नहीं सोची कि बिजनेस में वो बिजनेस किस फॉर्म में करना चाहते हैं। अगर फॉर्म की बात करें, क्या डिफरेंट फॉर्म्स होती है जिससे मार्केट में आपको जाना चाहता है, आप वो आपकी अपनी चॉइस है। अभी हम उसको और डिटेल में पढ़ेंगे लेटर ऑन, अभी हम समझेंगे क्या डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है सिंगल ओनरशिप, ये आप बिजनेस स्टडीज में पढ़ के आए हैं, आपने पहले अपनी अर्लियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है सोल प्रोप्राइटरशिप। सेकेंड इज योर पार्टनरशिप, थर्ड इज योर कंपनी, फोर्थ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इसके अलावा स्टैट्यूटरी बॉडीज, इसको स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस भी बोला जाता है, और इनके अलावा जो अदर फॉर्म्स होती हैं वो आपकी होती है एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सेट्रा। ये आपकी कुछ फॉर्म्स हैं जिनके थ्रू अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो जिनके थ्रू मार्केट आपको जानेगी। ओके, नाउ द सेकेंड थिंग इज, इसमें से बहुत सारे टर्म्स ऐसे होंगे जो आपने पहले सुने होंगे और बहुत सारे ऐसे टर्म भी होंगे जो आपको लग रहा है पहली बार सुन रहे हैं। हम उसको डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल जैसे जैसे हम प्रोसीड करेंगे। ओके, सोल प्रोप्राइटरशिप, आप तब सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए जाना चाहते हैं जब आपको पता है आपको अपना कमाया हुआ प्रॉफिट, बिजनेस का मतलब तो प्रॉफिट कमाना है, आप अपना कमाया हुआ प्रॉफिट किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहते, डिसीजन आपको खुद लेना है, आपको किसी की मदद की जरूरत नहीं है, और जो पैसा लगेगा वो भी मैं अकेला ही खुद उसमें लगाऊंगा, मुझे किसी और पर्सन की किसी और की जरूरत नहीं है। वहां पे सिंगल ओनरशिप अगर आप चाहते हो तो आपको सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए जाना चाहिए। जैसे हम अपने एग्जांपल में पढ़ रहे थे मिस्टर एक्स जो चेयर्स का बिजनेस करना चाहते हैं, मिस्टर एक्स को अगर ये सब उनके भी थॉट प्रोसेस है, मुझे किसी के साथ प्रॉफिट शेयर नहीं करना, मुझे अकेले ही बिजनेस चलाना है, डिसीजन मेकिंग मेरी होगी और रिस्क सिर्फ मेरा होगा, और लायबिलिटी मैं अनलिमिटेड बियर कर सकता हूँ, इट मींस मिस्टर एक्स को सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के लिए ऑप्ट करना चाहिए, उसको बिजनेस सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में करना चाहिए। नेक्स्ट इज योर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप आप लोगों ने सुनी होगी, आपने क्रिकेट में भी सुनी होगी जी एक्स एंड वाई प्लेयर के बीच में पार्टनरशिप, उन्होंने पार्टनरशिप में इतने रन बनाए, एन नंबर ऑफ प्लेसेस, यू पीपल योर सेल्फ नो वॉट इज पार्टनरशिप। अगर आपको बिजनेस करना है इंडिया में करना है तो आपको एक कानून इसके तहत, इससे रिलेटेड एक कानून, दैट इज द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। मैं दोबारा एक बार बोल रही हूँ, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको इंडिया में बिजनेस करना है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के तहत, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको कौन सी फॉर्म ऑप्ट करनी है, पार्टनरशिप। क्लियर, अभी हम इसको थोड़ा इस चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, ये बहुत बेसिक चैप्टर है, पार्टनरशिप आप लोग कहीं पहले भी पढ़ के आए हैं, आपको समझने में लॉ समझने में आसानी रहेगी। उसके अलावा कंपनी एचयूएफ जो जितने भी आगे फॉर्म्स हैं वो हम बारी बारी सब समझेंगे। कंपनी, अगर आपको कंपनी के लिए जाना है, आपको अपनी कंपनी खोलनी है तो आपको क्या फॉलो करना पड़ेगा, कंपनीज एक्ट 2013। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, कंपनीज एक्ट
2013 अगर आपको इंडिया में रहकर कंपनी फॉर्म में बिजनेस करना है तो फाइन. ओके स्टूडेंट्स, वी विल स्टार्ट विद इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. सबसे पहले हम इसके साथ शुरू करेंगे. हम समझेंगे लॉ क्या है, ये एक्ट क्या कहता है, उसकी स्टडी करते हुए हम इस टॉपिक को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज की क्लास में. ओके स्टूडेंट, सो लेट मी स्टार्ट विद वन ऑफ द फॉर्म इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. हम मिस्टर एक्स को अपने एग्जांपल में भी कंटिन्यू करते हुए इसको डिस्कस करेंगे कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या बोलता है. अगर अब आप लोग बोलोगे ये एक्ट क्या होता है और ये 1932 क्या डिफाइन या सिग्निफाई कर रहा है, मैंने आपको बताया इंडियन पार्टनरशिप यानी कि मिस्टर एक्स बिजनेस करना चाहते हैं, अकेले नहीं करना चाहते, ही नीड समवन एज अ पार्टनर, तो ये पार्टनरशिप के लिए ऑप्ट कर सकते हैं बिजनेस करने के लिए. अब हम आ गए इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. ये मैं आपको पहले 2-3 बार ये चीज दोबारा आपको एक बार फिर बता देती हूँ. अगर आपको बिजनेस इंडिया में करना है तो आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करना पड़ेगा. 1932 ये वो साल है जिस साल में ये एक्ट बना था, ये कानून बना था. उसके लिए हमारे बोथ द हाउसेस में एक बिल इंट्रोड्यूस होता है, डिस्कशन होती है, प्रेसिडेंट का कंसेंट लिया जाता है. बेटा कंसेंट मींस मर्जी, एसेंट, दीज आर दी वर्ड्स. उसके बाद जो एक्ट पास होता है दैट मींस वो एक कानून पास हो जाता है और उस कानून को आपको फॉलो करना पड़ता है. और हम पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं जहां पे मैं कानून वर्ड बोल रही हूँ, देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस. और अगर आप इनको फॉलो नहीं करते, आप इन्हें फॉलो नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं उनका वायलेशन करोगे तो कुछ पेनल्टीज आप पे लगती है. सेम थिंग जैसे हमें, जैसे हमने और लॉज में सुना हुआ है क्रिमिनल एक्ट कोई कर ले तो उस लॉ के एक्ट, उसके लॉ के अकॉर्डिंग आपके ऊपर एक्शन लिया जाता है. सिमिलरली सेम थिंग इज एप्लीकेबल अगर आप पार्टनरशिप इंडिया में कर रहे हो. एंड इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस लॉ, इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस एक्ट, देयर आर सम पेनल्टीज. तो उन पेनल्टीज से बचने के लिए हमें समझना जरूरी है कि पार्टनरशिप क्या है. ओके, सबसे पहले हम शुरू करेंगे पार्टनरशिप होती क्या है. ओके, हम सबसे पहले एक चीज समझते हुए चलेंगे कि इस एक्ट में सेक्शन 4 में, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूं, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट
बिजनेस का जो भी बिजनेस वो कैरी ऑन कर रहे हैं और वो बिजनेस या तो वो सारे मिलकर चला रहे हैं या कोई एक उन सबके बिहाफ पर एक्शन ले रहा है और यू कैन से कैरी ऑन कर रहा है। ठीक है, इस चीज को अभी मैं और आपको रिफाइन करके बताती हूँ। इस डेफिनेशन के 4 पॉइंट्स हैं, हम अभी समझेंगे क्योंकि एक बार में ये सब पूरी डेफिनेशन पढ़ने में आपको लगेगा कि हाँ ये क्या है, लर्न करना है। आई ब्रेक द डेफिनेशन और आपको लर्न करने में भी आसानी हो जाएगी। इट इज हाँ जी, अब इस डेफिनेशन में सबसे पहली लाइन आपको क्या सिग्निफाई कर रही है, समराइज कर रही हूं मैं इस डेफिनेशन को। और मैं आपको ये बताऊं कि इस डेफिनेशन के 4 पार्ट्स में बना रही हूं सो आपको लर्न करने में आसानी हो जाए। देयर शुड बी एटलीस्ट 2 पर्सन, एक पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 लोगों का होना जरूरी है, तभी मैंने ये लाइन लिखी है। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन, सॉरी बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। फाइन, सेकंड, यहां से हम क्या समझ रहे हैं, देयर शुड बी अ प्रॉफिट शेयरिंग, जो प्रॉफिट वो एक बिजनेस से कमाएंगे। देयर should be a profit sharing। तीसरा, business का होना बहुत जरूरी है। अगर business ही नहीं है, आप किसी और मोड में या किसी और चीज, किसी भी एक्टिविटी जो कि business नहीं है, आपको पता है business वो एक्टिविटी है जो रेकरिंग बेसिस पे हो, जो रेगुलर बेसिस पे हो। आपने साल में एक बार एक ट्रांजेक्शन करते हो, आप एक एक्टिविटी साल में एक बार कर रहे हो, यू कैन नॉट से दैट यू आर इन अ बिजनेस। बिजनेस इज एनी सच एक्टिविटी जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना हो और जो रेगुलर बेसिस पे हो। फाइन, सो देयर शुड बी अ बिजनेस। फोर्थ पॉइंट, आपको लास्ट में एक लाइन दे रखी है, वो बिजनेस जो या तो सारे मिलके चला रहे हो या फिर कोई एक सबके बिहाफ पे। ठीक है, तो इसको बेसिकली ये बोलते हैं, आपने प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप अभी नहीं समझा होगा, अभी मैं आगे समझाऊंगी आपको। यहाँ पे एक एजेंसी रिलेशनशिप बोलते हैं इसको, जिसको मैं ये भी लिख सकती हूँ कि कैरिड ऑन बाय वन और ऑल ऑफ देम। ठीक है, ये अभी मैं आपको लास्ट में समझाऊंगी इसका क्या मकसद है यहाँ पे इस लाइन का, बट इसको मैं यहाँ से उठा के इसको यू ही डिफाइन कर सकती हूँ कि देयर इज एन एजेंसी रिलेशनशिप। आपको पता है ना, एजेंट अपने प्रिंसिपल के बिहाफ पे कुछ डिसीजंस ले सकता है, काम कर सकता है। जब आप पार्टनरशिप में हो तो सारे पार्टनर जरूरी नहीं है कि मिलके सारे काम वो कर रहे हो, किसी एक को आप काम दे देते हो, जी तू कर, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर एंट्रस्टेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप सामने वाले को रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हो, तो सारे पार्टनर्स एक दूसरे के लिए प्रिंसिपल भी है और एक दूसरे के लिए एजेंट भी है। ठीक है, सो देयर इज अ एजेंसी रिलेशनशिप बिटवीन द पार्टनर्स। सो यहाँ पे हमने 4 चीजें समझी है इस डेफिनेशन से, 2 बंदों का होना, कम से कम 2 बंदों का होना जरूरी है, और प्रॉफिट शेयरिंग बिल्कुल बहुत जरूरी है, वरना आपको पता है प्रॉफिट शेयरिंग के बिना बेसिस पे ही आप डिफाइन कर सकते हो कि आपने क्या कमाया उस बिजनेस से। तीसरा, बिजनेस का होना जरूरी है, एज आई एक्सप्लेन यू बिफोर। एंड द फोर्थ, पार्टनर्स के बीच में एजेंसी रिलेशनशिप होना जरूरी है, यानी कि एक दूसरे के बिहाफ पे भी उनको काम करना आना चाहिए, तभी आप बोल सकते हो कि आप बिजनेस पार्टनरशिप में कर रहे हो। इज दैट क्लियर? ओके, आई होप अभी तक आपको कोई प्रॉब्लम ना आ रही हो और आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ भी आ गई हो। अब नेक्स्ट थिंग जो आज की क्लास के लिए हम लेंगे, दैट इज व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, अलग अलग तरह की पार्टनरशिप क्या होती है।
with the kinds of partnership. Kinds or types of partnership. ज़्यादातर दो तरह की ही partnership आपको सुनने को मिलती है. One is your particular partnership. And the second one is partnership at will. ठीक है? Okay. सबसे पहले मैं आपको एक बता दूं. There is a document और there is an agreement called partnership deed. जब दो लोग minimum as we know दो बंदे तो हमें चाहिए ही चाहिए partnership शुरू करने के लिए. तो दो या दो से ज़्यादा आप oral partnership भी कर सकते हो. आप writing में लिखकर भी partnership कर सकते हो. The best part आप क्या suggest करोगे? As a business person आप क्या prefer करोगे? कि आप सामने वाले की बोली हुई बात पर trust करना believe करोगे? ये सब चीजें writing में लिखकर चलना जरूरी समझोगे. I think आप सबका answer इस पे यही होगा कि you will prefer a agreement or some anything documents that should be in writing. Writing में अगर partnership रहेगी तो कल लड़ाई होने के chances कम होते हैं. And that document is called partnership deed. Fine, हम पढ़ेंगे और आप ये कुछ चीजें आपने कभी कहीं सुनी होंगी. Deed बस एक instrument है partnership को करने की, जिसमें आप सारी चीजें लिख कर चलते हैं कि आपस में आप लोगों को कभी कोई future में dispute arise ना हो. Fine. तो पर्टिकुलर पार्टनरशिप और पार्टनरशिप एट विल का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम समझेंगे पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या है. पर्टिकुलर पार्टनरशिप होती है जब आप किसी पर्टिकुलर या स्पेसिफिक किसी एक्टिविटी को खत्म करने के लिए या कंप्लीट करने के लिए आप एक पार्टनरशिप करो. मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उस पे आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा. हमने मिस्टर एक्स की बात करी थी. ओके, मिस्टर एक्स का ही एग्जांपल हम फिर से ले रहे हैं. मिस्टर एक्स ने क्या किया? मिस्टर एक्स को एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है. मिस्टर एक्स गॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, एक रोड कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मिला है. ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन का किसी लेट्स सी दिल्ली गवर्नमेंट से उन्हें मिला है या एमसीडी से उन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है. दे हैव टू कंप्लीट दिस रोड कंस्ट्रक्शन. ठीक है, अब मिस्टर एक्स के पास सारे इक्विपमेंट्स नहीं है. मिस्टर एक्स को ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है एक सड़क बनाने का, लेकिन उनके पास सारे इक्विपमेंट्स नहीं है, कुछ चीजों की कमी है. लाइक लेट वी अज्यूम कि इनके पास रोड रोलर नहीं है, जो कि बहुत जरूरी चीज है एक रोड कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए. तो इनको ये पता चलता है कि देयर इज अ फर्म या देयर इज अ पर्सन जो रोड रोलर की सर्विसेज प्रोवाइड करता है. तो इन्होंने क्या किया, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बोला कि लेट वी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप. मैं रिपीट कर रही हूँ, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अप्रोच किया कि लेट वी एंटर इनटू अ पार्टनरशिप. मैं अपने बाकी चीजें प्रोवाइड करूंगा इस कॉन्ट्रैक्ट या फिर इस वेंचर को कंप्लीट करने के लिए, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, और एज अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप आप अपना रोड रोलर देना. मींस जो चीजें मेरे पास है आई कैन मेक द यूज ऑफ दैट, और जो आपके पास है वो आप मुझे देना. दिस वे ही डिसाइडेड टू एंटर इनटू अ एग्रीमेंट, दे डिसाइडेड टू एंटर इनटू अ पार्टनरशिप विद मिस्टर वाई. तो इन दोनों ने एक पार्टनरशिप में एंटर किया थ्रू अ पार्टनरशिप डीड और ये दोनों पार्टनर्स बन गए. पर आप ये चीज समझ रहे होंगे कि ये पार्टनर कब तक रहेंगे, जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता. और एक बार अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया तो वी कैन से इनकी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी. इज दैट क्लियर? इसका मतलब जो पार्टनरशिप किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हम एंटर करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप. इज दैट क्लियर? ओके, वी कैन से मैं इसके ओके लेट वी गेट बैक व्हाट आर द अदर काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप.
मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ, ब्रीफ कर देती हूँ. व्हाट इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप? पर्टिकुलर पार्टनरशिप इज द पार्टनरशिप विच अंडरटेक्स बिटवीन द पार्टीज और विच अंडरटेक्स टू कंप्लीट अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और वेंचर. एंड एज सून एज दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और वेंचर गेट्स कंप्लीटेड, दिस पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड. Hope you people are understanding. Fine. Okay. So this is the one particular type of partnership that is called particular partnership. Abhi hum recall karenge once we are over with the other partnership. Uske baad hum dubara se isko ek bar revise kar lenge. I hope is example se beta aapko clear hoga ki what is particular partnership. Hamari jo next partnership hai, that is पार्टनरशिप एट विल. ठीक है, आपको मैंने अभी बताया था पार्टनरशिप डीड क्या होती है. वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू राइटिंग में आप लिख सकते हैं कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे आपने पार्टनरशिप में एंटर किया है, जिससे कि और आई कैन से इन ऑर्डर टू अवॉइड द फ्यूचर डिस्प्यूट्स, ना आपको आपके पार्टनर्स के साथ कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी इफ यू आर डूइंग एनी पार्टनरशिप इन राइटिंग थ्रू पार्टनरशिप डीड. ओके, हमारी नेक्स्ट पार्टनरशिप थी जैसे एज आई टोल्ड यू पार्टनरशिप एट विल. मैं अभी आपको बीच में छोड़ रही हूँ डीड के बारे में समझाते हुए. मैं बस एक पॉइंट पे आना चाह रही थी. पार्टनरशिप डीड में आप हमेशा ये चीज मेंशन करते हो कि पार्टनरशिप कितने टाइम चलेगी. आई मस्ट टेल यू अगेन कि आपकी पार्टनरशिप का जो ड्यूरेशन है वो आप हमेशा अपनी पार्टनरशिप डीड में मेंशन करते हो. इज दैट क्लियर? अगर आप पार्टनरशिप एट विल कर रहे हो तो पार्टनरशिप डीड में ड्यूरेशन का कॉलम खाली रहता है. उसके पीछे रीजन ये है, ये पार्टनरशिप पार्टनर्स की मर्जी पे चलती है. किसी भी पार्टनर का कभी भी मन किया पार्टनरशिप को खत्म करने के लिए, तो वो बाकी पार्टनर को नोटिस देगा कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस पार्टनरशिप, और वो पार्टनरशिप वहीं खत्म हो जाएगी. इसलिए मैं आपको डीड पे बार बार फोकस कर रही थी. यानी कि अगर पार्टनरशिप डीड में ड्यूरेशन का कॉलम खाली है, इट मीन्स ये पार्टनरशिप एक्ट विल है. अदरवाइज जनरल पार्टनरशिप में कभी भी ड्यूरेशन का कॉलम खाली नहीं होता. इज दैट क्लियर? तो मैं आपको दोबारा बता दूं, पार्टनरशिप एट विल वो पार्टनरशिप है जिसमें ड्यूरेशन स्पेसिफाई नहीं होती डीड में, और ये पार्टनरशिप तब खत्म होती है जब कोई भी पार्टनर अपनी ये इंटेंशन बाकी पार्टनर्स को बता दे थ्रू नोटिस, I don't want to continue. Is that clear? So that was the partnership at will. ठीक है? जैसे ही किसी partner disinterested होगा, वो अपनी ये intention बाकी partners के साथ share कर इस partnership को खत्म कर देगा. Is that clear? तो हमने दो partnerships पढ़ी. एक particular partnership, जो partnership basically किसी एक particular project या task या किसी पर्टिकुलर वेंचर को कंप्लीट करने के लिए दो पार्टीज के बीच में होती है. एंड द अदर थिंग पार्टनरशिप एट विल, ये वो पार्टनरशिप है जिसमें ड्यूरेशन शुरू से नहीं पता होता. कोई भी पार्टनर अपनी इंटेंशन जब उसको नहीं कंटिन्यू करना, अपनी वो ऐसी विश बाकी पार्टनर्स के साथ शेयर करता हुआ इस पार्टनरशिप को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं. तो बेटा दैट्स ऑल अबाउट टुडे, और आई कैन से यहाँ पे हम वाइंड अप करेंगे आज की क्लास. और इसके बाद हम अगली क्लास में पढ़ने वाले हैं व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टनर्स. थैंक यू सो मच.